Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूँ आज वीडियो नंबर 80. आज हम पढ़ेंगे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 150 पे मिल जाएगा. एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर. देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये हमने जान लिया. इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन, राइट. हमने ये भी जान लिया कि मॉडर्न सिनारियो में कितने सारे एग्जाम्पल्स थे, पेंडेमिक एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए करंट सिनारियो को लेते हुए, कि जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आगे आई है बिजनेसमैन के तरफ से, ठीक है. आज हम जानेंगे वन ऑफ द हार्डेस्ट फैक्ट्स, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, बिजनेसमैन करते भी हैं, हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए, लेकिन क्या वो अपने मन से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, या फिर कुछ जबरदस्ती होती है या कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है, या उनके माइंड में किसी चीज का डर होता है इसलिए उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है. तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, आपको रियलिटी समझ में आएगी, एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, कि जितने भी बिजनेसमैन है, अधिकतर आमूमन जो आप देख रहे हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो क्या वो मन से कर रहे हैं अपने, वो करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे. तो आज हम जानेंगे रियलिटी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. बिजनेस हाउसेस जान करके अपने मन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या फिर कोई और चीज उनके दिमाग में चल रही होती है, ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. ये क्या है ये समझना. बिजनेसमैन डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फियर, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन. ये पॉइंट क्या कहता है, आजकल बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट लेना है इनडायरेक्टली तो आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. देखो, अब आप पूछोगे गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने की क्या जरूरत है, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, आपके बैक हैंड होता है गवर्नमेंट का, तो हमेशा आपका बिजनेस एक कंट्री में, जिस डोमेस्टिकेटेड बाउंड्री में आप वर्क कर रहे हो, प्रॉस्पर कर पाएगा, ठीक है. तो ऐसे में बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सोच के करते हैं, मन से करते हैं नहीं, वो ये सोच के करते हैं कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो कर दो थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस भी करते हैं बिफोर द इलेक्शन बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल एक्टिविटीज करते हैं ताकि लाइमलाइट में आए. सिमिलरली बिजनेसमैन भी इसीलिए करते हैं, ठीक है. एंड देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि आजकल पब्लिक रेगुलेशन, यानी पब्लिक का भी लोगों को डर है, बिजनेस हाउसेस को डर है. आप देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं लोग, ठीक है. अगर हल्का सा भी कोई कमी कहीं, कमी नजर आती है, डेफिशिएंसी नजर आती है, तो क्या होता है, आप ट्विटर पे वीडियो डाल देते हो, आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हो, ठीक है. तो इससे क्या होता है, मास मूवमेंट होता है, मास सर्क्युलेशन होता है. तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से बिजनेस हाउसेस की गुडविल डाउन होती है, उनको डर लगता है, उनको पब्लिक के इस तरीके से, इस स्मार्टनेस से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं. जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा मुझे याद आता है कि स्क्रॉच ब्राइट जो आता है, दैट इज डिश वॉशिंग पैड, तो उसमें क्या है, उस पर्टिकुलर स्क्रॉच ब्राइट में, अगर आपने नाम सुना उस पैड का, उस ब्रांड का, तो वहां पर एक हाउस लेडी की, एक हाउस वाइफ की कार्टूनिस्ट फोटो आती है, राइट. तो अभी किसी ने पर्टिकुलरली इस पर ट्विटर पे सवाल उठाया कि ये जो है ये प्रिजुडाइज नहीं कर रहा है कि सिर्फ डिश वॉशिंग इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल जेंडर ओनली. तो इसके ऊपर स्क्रॉच ब्राइट के ओनर को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने कहा कि वो चेंज भी इसे करेंगे. सो पब्लिक रेगुलेशन, पब्लिक आजकल इतनी अवेयर है कि विद इन सेकेंड सोशल मीडिया को यूज करके बिजनेस की धज्जियां उड़ा सकती है, इसीलिए बिजनेसमैन को डर लगता है और इसी डर से बचने के लिए वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं. तो ये एक सबसे बड़ी रियलिटी है कि अगर कोई बिजनेस हाउस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है तो बजाय मन के वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उन्हें पब्लिक का डर है, ठीक है. देन सीएसआर भी आजकल मैंडेटरी हो गया है 2014 से, सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 मैंडेटरी कर दिया है. पहले क्या होता था, वॉलेंट्री होती थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मर्जी है तो करो, नहीं है तो मत करो. अब जब कंपलसरी हो गया है तो लोगों को करना पड़ता है. आया आपको समझ में ये पॉइंट. देन
सेकेंड पॉइंट आता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स. लेबर कौन है यहाँ पर? लेबर यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज, बेसिकली मजदूर जो काम करते हैं नॉन स्किल्ड. पहले के टाइम पे क्या होता था? लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता था बिकॉज लेबर इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे. आज के टाइम पे क्या है, आपकी जो लेबर है वो भी स्मार्ट है, उन्हें भी पता है उनके राइट्स के बारे में. ठीक है, सो बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉयज के प्रति सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, लेबर्स के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है बिकॉज दे नो कि अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ये लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे. ठीक है, ना सिर्फ स्ट्राइक पर चले जाएंगे बल्कि गवर्नमेंट इनको बैकअप करती है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. देखो हैशटैग पर ध्यान दो. लेबर मूवमेंट्स ऑल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर एंड रिवॉर्ड देम. ठीक है, लेबर मूवमेंट्स क्या हुए? लेबर का स्ट्राइक कर देना, लेबर का गुडविल को हैम्पर करना. कैसे लेबर गुडविल को हैम्पर करेंगे? वो लोग बुराई कर सकते हैं इस बिजनेस की, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो इससे क्या होगा? बिजनेस डाउनग्रेड हो जाता है. तो ऐसे में एक बिजनेस हाउस, एक बिजनेसमैन डरता है अपने लेबर से और उस डर के कारण वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है. ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? अगर कोई बिजनेस हाउस अपने लेबर से अच्छा है तो हो सकता है कि वो अपने मन से अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं वो लेबर मूवमेंट, लेबर स्ट्राइक्स होने से डरता है. ठीक है, इसके अलावा ना सिर्फ ये पॉइंट है, ये तो लेबर के बिहाफ पर ही था कि लेबर क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस को नुकसान. इसके अलावा गवर्नमेंट ने कितने सारे लेबर लॉस बना दिए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है. ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल कि मिनिमम वेजेस इन्होंने स्टिपुलेट कर रखी है कि आपको प्रीफिक्स कर रखी है, इतनी मिनिमम वेज तो आपको देनी ही पड़ेगी. तो एज बिकॉज ऑफ दिस जो बिजनेस है उन्हें मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपने लेबर को, इसलिए वो लगता है उन्हें कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं. दूसरी तरफ फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट तो बहुत बड़ा एक्ट है. फैक्ट्रीज एक्ट में तो बेसिकली छोटी से छोटी चीज भी बताई गई है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके काम करने वाले लेबर का वर्क प्लेस पर अगर एक थंब भी टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी कॉम्पनसेशन कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सारी चीजें बताई गई है. सो लेबर मूवमेंट का, लेबर स्ट्राइक्स का, लेबर लॉज जो बन गए, इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इनका जो डर रहता है बिजनेसमैन को, इसी वजह से वो अपने लेबर्स के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज शायद वो नहीं होता. सो दिस इज अनदर रियलिटी चेक कि बाहर से देखने से लगता है कि हाँ भाई लेबर के लिए खड़ा है ये बिजनेस, बट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, अंदर की बात ये होती है कि लेबर मूवमेंट से वो लोग डरते हैं. थर्ड आता है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये. आज का जो कंज्यूमर है वो इतना ज्यादा कॉन्शियस है, इतना ज्यादा जागरूक है, उसे उसके राइट्स के बारे में पता है. ठीक है, उसे उसकी ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज के बारे में पता है. इस वजह से बिजनेस हाउसेस को कंज्यूमर प्रोन होना पड़ता है, उन्हें कंज्यूमर को सपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, देखो कंज्यूमर्स आर वेरी अवेयर. आजकल आपको भी पता है आपके क्या राइट्स है. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपको अच्छे से सर्व नहीं हो रहा या कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप फट से अपना कैमरा निकाल करके वीडियो रिकॉर्ड करके ट्विटर पे पोस्ट कर दोगे, इससे उस बिजनेस की धज्जियां उड़ जाएंगी. ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. आजकल बिजनेस बिजनेसमैन नहीं चलाते, कस्टमर चलाता है. कस्टमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट. और इसके साथ साथ बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो आजकल हर एक कंज्यूमर जानता है. कैसे जानता है? आपको बेसिक एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर ही उन राइट्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है. जैसे एक बहुत अच्छा राइट है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो मैंने यहां पे लिखा है लास्ट में, ये बच्चों को क्लास 5, 6, 7 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई है, जैसे द एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉमोडिटीज जो हैं, वो एसेंशियल बनाए गए हैं और उन पर टैक्सेस नहीं लगते हैं लाइक दैट. जैसे अभी तक, पिछले जून तक, सैनिटाइजर और मास्क जो था वो एक एसेंशियल कॉमोडिटी था. अब क्योंकि उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, तो उन्हें एसेंशियल कॉमोडिटी से निकाल करके उन पर जीएसटी अट्रैक्ट कर दी गई है. कितनी जीएसटी लगती है सैनिटाइजर पर? 18%. ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है. फूड एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, कि खाने में मिलावट नहीं होगी. अगर होती है, कोई बिजनेसमैन ऐसा करता है, पाया जाता है, तो फिर वो इस लॉ के अंदर आएगा और पनिशेबल होगा. सो आजकल कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर खुद इतना अवेयर है कि बिजनेस हाउसेस को जान करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है. ठीक है, अगर वैसा नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि यहां पर बहुत बुरा हो जाएगा उनके साथ. ठीक है, जैसे एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है, मैंने न्यूज में सुना था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ ऑर्डर किया था और उसकी जगह उसके पास बॉस का स्पीकर आ गया था. ठीक है, तो जब उसने ये चीज, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो उसने जब ये चीज जाकर के अमेजोन पर ट्वीट की, अमेजोन के लिए ट्वीट की कि भाई मेरे पास जो मैंने नहीं मंगाया वो एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, तो अमेजोन ने उन्हें उसे एज अ फ्री गिफ्ट रख दिया कि तुम रख लो इसे. ठीक है, सो व्हाट इज दिस?
दिस इज वाई वाई क्यों उन्होंने ले लिया, उन्होंने वापस दे दिया उस कस्टमर को, उसने लिया नहीं कस्टमर से अमेजोन ने वापस, बिकॉज ये अमेजोन की गुडविल को बढ़ा रहा था। एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने दे रहा हूं, वर्ड ऑफ माउथ फैला रहा हूं, ठीक है। सो आजकल ये पॉइंट क्या कहता है, हर एक बिजनेस हाउस को, बिजनेसमैन को पता है कि कस्टमर ही किंग है, और कस्टमर चाहे तो बिजनेस बना सकता है, बिजनेस बिगाड़ सकता है। और तो और कस्टमर के लिए बहुत सारे राइट्स बनाए गए हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है। तो इस वजह से बिजनेस हाउसेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अब जो बिजनेस है उससे वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट गायब हो चुका है कि बिजनेस इज जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। नो, वो बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी है प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल है, हमेशा प्राइमरी रहेगी, लेकिन बिजनेस की एक सेकेंडरी एक्टिविटी भी आ जाती है, सोसाइटी को नीडफुल करना, सोसाइटी के लिए सब कुछ करना। देखो हैशटैग पर ध्यान दो, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस। आजकल क्या होता है, बिजनेस हाउसेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे, ठीक है। ऐसा मानते हैं लोग कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के कारण ही बना है। हैशटैग पर ध्यान दो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, हैंस इट शुड डू समथिंग फॉर सोसाइटी। जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए ही बना है, उसे सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सोसाइटी ही है जिसने बिजनेस को ग्रो करवाया, जिसने बिजनेस को डेवलप करवाया, जिसकी वजह से बिजनेस सर्वाइव कर पाया है। तो ऐसे में अब बिजनेस की ऑब्लिगेशन बन जाती है, ये कर्तव्य बन जाता है कि बिजनेस भी सोसाइटी के लिए कुछ करे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। देखो बिजनेस एजुकेशन, सोशल एजुकेशन जो है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप तो जस्ट 11th क्लास में हो, अभी कॉमर्स वर्ल्ड में जस्ट एंटर किए हो आप। एंटर करने के बाद भी आपको ये बता दिया गया है, रियलिटी चेक दे दिया गया है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस में आपको सोशल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। इनफैक्ट आपके लिए पूरा एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है बिजनेस स्टडीज में। सो ये क्या है, ये बेसिकली क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में आया, इसलिए आया है ताकि ग्रास रूट लेवल से, यानी कि जब से आप बड़े होते जा रहे हो तब से आप इस चीज को समझो। आप में से हो सकता है कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस बने, ठीक है, बिजनेसमैन बने, तो उसे ये चीज समझ में आए कि प्रॉफिट तो कमाना ही है बट सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि क्यों बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि आजकल लोगों को, बच्चों को, इवन एवरी सिंगल पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस, उन्हें ग्रास रूट लेवल से यही सिखाया जा रहा है कि बिजनेस इज जस्ट नॉट ओनली एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, जबकि बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो ये पॉइंट ओवरऑल क्या कहता है कि बिजनेस एजुकेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल से मिलने लग गई है, ठीक है। इनफैक्ट देखो ना, आपके लिए पूरा एक बिजनेस स्टडीज का हमने सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। देन उसमें भी एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और कितना शॉकिंग है ना ये, अब तक आपको लगता था 10th क्लास तक कि बिजनेस मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, अब आपको पता चल रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। देखो पहले के टाइम पे क्या लगता था लोगों को कि सोशल इंटरेस्ट अलग है, सोसाइटी के लिए कुछ करना वो बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन अब क्या है, अब चीजें बदल गई हैं। अब जो बिजनेसमैन है उन्हें समझ में आता है दैट सोसाइटी एंड बिजनेस गोज हैंड इन हैंड, कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, सोशल इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ेगा। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। मान लो आज टाटा ग्रुप बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, हम सब जानते हैं। अगर आज टाटा ग्रुप कोई नया प्रोडक्ट निकाले और वो ये बोल दे कि इसका 10% जो है वो बच्चों की एडुकेशन के लिए जाएगा, ठीक है, तो क्या आप लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे या नहीं करोगे? फॉर श्योर करोगे। तो इससे क्या हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही रही है, साथ ही साथ बिजनेस का प्रमोशन भी हो गया, बिजनेस की गुडविल तो बढ़ी गई कि यार आप टीवी पे ऐड देखोगे और सोचोगे हाँ यार कि भाई सही में बहुत अच्छी चीज है कि ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट तो खरीदना चाहिए। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट भी हो गया और गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिलेगा सो अलग, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा है, हैशटैग क्या कहता है ये वाला, कि सर्व सोसाइटी इज इक्वल टू लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस। अगर कोई बिजनेस सोसाइटी को सर्व कर रहा है तो वो लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई बिजनेस सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्यों नीता अंबानी इतने सारे बेसिकली जो
आप कह सकते हो कि चैरिटी करती है, चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज शी नोज दैट सोसाइटी को सर्व करना जरूरी है अगर बिजनेस की गुडविल को एनहांस करना है तो. आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजीरियल क्लास. ये पॉइंट क्या कहता है? हैशटैग पर ध्यान दो. प्रोफेशनल मैनेजीरियल मैनेजर्स प्रेफर्स टू हैव मल्टीपल गोल्स रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आजकल जो बिजनेसमैन बन रहे हैं, आजकल जो मैनेजर्स बन रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले के मैनेजर्स क्या होते थे, वो सिर्फ ये सोचते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाया जाना चाहिए, दैट इज द सक्सेस ऑफ बिजनेस. आजकल के जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो ये समझते हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, मीडिया की लाइमलाइट्स में आना है, मीडिया से पब्लिसिटी पानी है, तो ज्यादा से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी. जितनी ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा बिजनेस अच्छे से चलेगा. सो ये है एक रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस वीडियो में हमने रियलिटी चेक किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि बिजनेसमैन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मन से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो. आजकल इतनी सारी चीजें हैं, मॉडर्न मार्केटिंग सिनेरियो इतना बुरी तरीके से चेंज हो गया है कि बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है. आई होप आपको ये रियलिटी चेक, सच में एक रियलिटी चेक दे गया होगा. अगर ऐसा हुआ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सुनो सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आराम से पॉज करके दो बार देखो, एंड कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. अपनी क्वेरीज, अपनी रिव्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.